मऊ पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 25,000 के नामिया बदमाश दीपक उर्फ देवदत्त से हुई मुठभेड़, बदमाश हुआ घायल। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से है, जहां मऊ जिले में मऊ पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 25,000 के नामिया बदमाश दीपक उर्फ देवदत्त से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस जवान बाल बाल बचे हैं। वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल होकर जमीन पर छटपटाने लगा, जिसको पुलिस ने इलाज के जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मुठभेड़ में लूट में वांछित एक साथी गैंगस्टर 25,000 का नामिया बदमाश था, पुलिस मुठभेड़ में घायल होने पर गिरफ्तार किया है। कब्जे से लूट का 9,710 रुपए, 1 अदद मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, सुपर स्प्लेंडर, अवैध तमंचा व 3 खोखा जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया है। आपको बता दें कि थाना गोपालगंज पुलिस टीम को अहम सफलता हाथ लगी, जब सुबह 4:30 बजे पुलिस मुठभेड़ में थाना गोपालगंज पंजीकृत मुकदमा संख्या 274/24 BSN में वांछित एक साथी अपराधी गैंगस्टर दीपक उर्फ देवदत्त गौड़पुर श्याम प्यारे निवासी ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ का 25,000 का नामिया बदमाश था, जो घायल हो गया है। कब्जे से मोटरसाइकिल, सुपर सिलेंडर, एक तंचा, खोखा, जिंदा कारतूस तथा लूट का 9,710 रुपये, अदद मोबाइल फोन, घायल स्थान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान जवाबी फायरिंग में के बारे में पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं जहानागंज जनपद गाजीपुर सलामतपुर जट्टी में देसी शराब की दुकान पर लूट किया था, जिसमें कोयरियापा थाना मोहम्मदाबाद गोहना मऊ व ग्राम बबुरा थाना जहानागंज आजमगढ़ देसी शराब की दुकान से चोरी किया था। गिरफ्तार बदमाश दीपक उप देवदत्त गौड़पुर सम्पैरन निवासी ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली जनपद मऊ आजम का 25,000 का आजमगढ़ का इनामिया है, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल, सुपर सिलेंडर बरामद हुआ है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गोपागंज की टीम और थाना दक्षिण टोला की टीम को एक अहम सफलता हाथ लगी, जिसमें रात्रि चेकिंग व देखभाल के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना गोपागंज के ग्राम सरवा में कंक्रीट प्लांट के पास रात्रि लगभग 4:40 बजे मुखबिर की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 274/2024 धारा 305, 331/6, 324/4, 317/2, 317/4, 238 BNS में वांछित तथा 25,000 के इनामी दीपक उर्फ देवदत्त गौड़ सनक राम प्यारे निवासी ब्रह्मस्थान जनपद कोतवाली नगर आजमगढ़ के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त घायल हो गया तथा उसके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, सुपर स्प्लेंडर, 1 अवैध तमंचा 315 रुपये, 2 कोक का कारतूस और 1 जिंदा कारतूस 315 रुपये और चोरी गए 9,710 रुपये व 1 फोन बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में अभियुक्त दीपक उर्फ देवदत्त के बाएं पैर में गोली लगी है, अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। विदित है कि दिनांक 10/10/2024 को थाना कोपागंज में एक शराब की दुकान में चोरी हुई थी, उसी मामले में अभियुक्त वांछित।